गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कहा कि यह अच्छी बात है कि वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस भ्रम में जी रही है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस नेता ये तय करें कि वे लव जिहाद कानून के समर्थन में हैं या विरोध में, ये हमेशा दो मुही राजनीति करते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर भी तंज कसा और कहा राहुल गांधी अगर एक ट्वीट रॉबर्ट वाड्रा पर करते जिन्होंने हरियाणा में किसानों की जमीन सस्ते दामों में ली और बेच दी तो ज्यादा अच्छा होता। नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी का एक नेशन एक इलेक्शन की ओर कदम सराहनीय है, इससे बड़े खर्चे घटेंगे और विकास कार्यों में गति आएगी। उन्होंने कहा हमेशा चुनाव ही होते रहते हैं, एक खत्म तो दूसरा शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा पीएम मोदी हमेशा कुछ नया और अच्छा सोचते हैं, जिसमें वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स और भी कई उदाहरण। लेकिन कांग्रेस का काम है कि जो सरकार करेगी उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस ने सीए, एनआरसी, जीएसटी और कृषि बिल का विरोध किया। सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी हो, लेकिन कांग्रेस दूसरे राज्यों में हिंसा पूर्वक आंदोलन कर रही है। यह किसानों का नहीं कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी कविता करते हैं। उन्हें एक ट्वीट रॉबर्ट वाड्रा पर भी करना चाहिए जिन्होंने अरबों की जमीन हड़प ली। देखिए माननीय मोदी जी जब से आए तब से वो नए 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 इनोवेशन नए आइडियाज लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वन नेशन वन टैक्स किया और पूरे देश ने अंगीकार किया। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरह का है। वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पर पूरे देश के अंदर वो अनाज ले सकता है। वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन मतलब वन ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही लाइसेंस पूरे देश में चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन, ये मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीज़ें आई हैं और उन्होंने पूरा देश अनेक वेश फिर भी एक देश, अनेक भाषा अनेक वेश फिर भी अपना एक देश, ये एकाग्रता राष्ट्रीयता समाकेत होके आ गई है। और इसलिए मैं वास्तव में नवाचार के लिए माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो चुनाव है ये चुनाव भी इसी तरह का है। आप कल्पना करिए कि पार्षद से लेके सांसद तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी तो कितना खर्च बचेगा। हम सब, मैं उस समिति का अध्यक्ष रहा हूं जब पहले यह विषय आया था मध्य प्रदेश का। विविधताओं में एक ये भी है कि चुनाव ही चलते रहते हैं 5 साल, लोकसभा का हटा तो विधानसभा आ गया, विधानसभा का हटा तो नगर निगम नगर पालिका आ गए, नगर निगम नगर पालिका हटी तो पंचायत जनपद जिला आ गए, वो हटी तो फिर मंडी आ गई, मंडी हटी तो सहकारिता आ गई, सहकारिता हटी तो जल उपभोक्ता आ गई। चुनाव ही चलते रहते हैं, आचार संहिता रखती रहती, तो विकास प्रभावित हो जाते हैं, एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का जो सोच है वो वास्तव में बहुत अच्छा सोच है, अनुकरणीय सोच है, आदरणीय सोच है। कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ये किसान आंदोलन नहीं कांग्रेस का आंदोलन है। ये अगर देश में क्या अकेले पंजाब में ही किसान रहते हैं, वहां उनकी सरकार है जो पीछे से उकसा रही है, सपोर्ट कर रही है। देश का किसान इस बात को जानता है कि पहली बार किसान को अपनी फसल का दाम करने का अधिकार मिला। भड़का रहे हैं मंडी बंद हो जाएंगी, कहां से मंडी बंद हो गई, सपोर्ट प्राइस बंद हो जाएगी कहां हुई है, सब जारी हो रही है। लेकिन इनको तो भ्रम फैलाना है तो फैला रहे, जैसा सीएए पे फैलाया था, जब लोगों की समझ में आया तो कीसे निपोरते रह गए, जैसा जीएसटी पे फैलाया था, वन नेशन वन टैक्स पे फैलाया था। हम कुछ भी करें इनको तो कमी निकालना है, कुछ भी कर लें ये कमी जरूर निकालेंगे। मैं एक बात और किसान आंदोलन पे कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, वो क्या है, टिक टिक पानी खुटखुट वाला, हाँ कविता लिखी है, माता जी अपने बच्चों को सुनाती थी, शायद उनकी ने सुनाया हो कि नहीं सुनाया, उठो लाल अब आँखें खोला, हुआ सवेरा मुंह तो धो लो।
ऐसी कविता है वो। पर एक ट्वीट अगर वो अच्छा हो, हरियाणा और राजस्थान के अंदर रावत बाड्रा जी ने जो किसानों की जमीन का लैंड यूज कराकर बेच दी और अरबों कमा लिए, उसके बारे में भी करें वो कि ये किसान को धोखे से जो रजिस्ट्रियां कराई उन्होंने, आज जिन पर केस रजिस्टर्ड हैं, जो लैंड यूज चेंज करने के और किसानों की जमीन बेचने के, इस पे अगर एक ट्वीट आएगा राहुल गांधी का तो अच्छा लगेगा, दिग्विजय सिंह जी का आएगा तो भी अच्छा लगेगा। नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर दिग्विजय के परिभाषा को लेकर कहा कि लव जिहाद वही है जो जिहाद की ओर ले जाए। उन्होंने कहा पहले दिग्विजय और कांग्रेसी ये तय कर लें कि वे लव जिहाद कानून के पक्ष में हैं या विपक्ष में, ये हमेशा दो मुंह ही बात करते हैं। इस दौरान उन्होंने गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई लगातार जारी रहने की बात भी कही। उन्होंने कहा ये फर्जी बाबा जी दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। परिभाषा बहुत साफ है जो लव जिहाद की तरफ ले जाए उसके खिलाफ हम ये लेके आ रहे हैं धर्म स्वातंत्र विधेयक। कांग्रेस को अपनी स्थिति जरूर स्पष्ट करना चाहिए कि वो इस धर्म स्वातंत्र विधेयक का विधानसभा में विरोध करेगी या सपोर्ट करेगी आने वाले सत्र में, ये इस पर क्यों नहीं बोल रहे वो लोग। ऐसी दो मुंह नीति आपको कोई पार्टी की मिलेगी ही नहीं। जो लोग तिरंगे का विरोध करते हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं। अरे भाई आप स्पष्ट तो करो कि आपकी नीति क्या है। देश के अंदर भ्रम की स्थिति में अगर कोई जी रहा है तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।